हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूं। रहमत थी पूरे जोश पर, रहमत थी पूरे जोश पर, रहमत थी पूरे जोश पर, मैं भी न था कुछ बेखबर, मैं भी न था कुछ बेखबर, तुझको तुझी से मांग कर, तुझको तुझी से मांग कर, अच्छा रहा मांगता तेरा, कल्लू भैया यहाँ एक जुमला कहा कि मैं दीवाने औलिया रहमतुल्लाह अलैह में आया हूँ, मुझे दीदार हुए, मेरी खुशनसीबी है। अब देखें, विधायक जो होता है अपने वक्त का बादशाह होता है। ये आपकी प्रजा है सर, और इन लोगों ने आपको अपनी रहनुमाई के लिए चुना है, लेकिन आप भी सरकार दीवाने शाह में आए हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, सरकारे मदीना की तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हुजूर को मद्देनजर रखकर ये चार मिसरे इंशाल्लाह मचल जाओगे। सिर्फ जख्मों पे ये मरहम ही नहीं रखते हैं, सिर्फ जख्मों पे ये मरहम ही नहीं रखते हैं, चाक तकदीर के दामन को सिया करते हैं, चाक तकदीर के दामन को सिया करते हैं, सिर्फ जख्मों पे ये मरहम ही नहीं रखते हैं, चाक तकदीर के दामन को सिया करते हैं, चाक तकदीर के दामन को सिया करते हैं, कमली वाले के गुलामों के गुलामों के गुलाम, कमली वाले के गुलामों के गुलामों के गुलाम, बादशाहों को भी खैरात दिया करते हैं, अच्छा मौजू है।
सरकार तो आलम के रुख पर सरकार तो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुख सार का आलम क्या होगा रात पड़ी है सुनाने के लिए लेकिन हमारे शुक्रिया सर एमएलए साहब को इमरान भाई को भी सुनना है। आखिर में हदीसे पाक बयान करके क्योंकि कव्वाल को वाइस भी कहते हैं कव्वाल के लफ्जी मायने हैं कौल बयान करने वाला अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने वाला। आओ जरा मेरा साथ दो और हर मिसरे में इस नात की बहर है सुभान अल्लाह तो आपको कहना है सुभान अल्लाह क्या या शाहिद वाल मुसल्ले अला सुल्तान अरब सुभान अल्लाह आप लोग चुप हो जाएं। अच्छा जी ये कालपी की ऑडियंस है कान पे मार मार के सुनाती है कसम से। या शाहिद वाल मुसल्ले अला सुल्तान अरब ऐसा लगना चाहिए कालपी में हो जरा बावा से बुलंद कितने आशिक रसूल बैठे हैं यहाँ पे। अब जिन जिन ने हाथ उठाया है उन्हें उनके माँ बाप की कसम है जोर से बोलेंगे। मुझे बोलना जरूरी था या शाहिद वाल मुसल्ले अला सुल्तान अरब तुम नूर मुजस्सम नूर खुदा ऐ पैकर रब वो जिसने हमें ईमान दिया इस उम्मत पर एहसान किया पढ़ने के लिए कुरान दिया वो उम्मी लकब वशम सुरखेज़े बाजनिका वल्लैल है जिनकी जुल्फ दुदा चद का भी नहीं साया जिनका वो आला नसब कौसैन से जब वो आगे बढ़ा और कुल्फ दरे मिनहा का खुला पर्दे को उठा के रब ने कहा ऐ शाह अरब बुर्राक और रफ़रफ़ दोनों रुके जिब्रील भी आगे बढ़ न सके अल्लाह ने पास में बुलवाया मेराज की शब ये शेवन की तमन्ना है इतनी पढ़ता रहे यूं ही नाते नबी जब नाम नबी मुंह से निकले कहने लगे सब ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा इलाही उस पे जहन्नम हराम लिख देगा रसूल पाक की तहरीर तो बड़ी शय है न कट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। जहन्नम हराम
बहुत शुक्रगुजार हूं इमरान भाई, आपने नवाजा। आखिरी शेर है, लेकिन ये शेर उन लोगों की नजर है जो हमारे मुल्क को नजर लगाना चाहते हैं। इस स्टेज पर ये मिंबर गरीब नवाज है, और जिस वक्त हम अपने रम्ज में होते हैं, जब कोई लालच नहीं होता, तब हमारी गुहार सुनी जाती है। महबूबे रब या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए, मेरे सरकार की उम्मत के लिए ये शेर नजर कर रहा हूं। महबूबे रब उम्मी लकब, मुझको सुकून की है तलब, कर दे अता मुश्किल पुशा, कर दे अता मुश्किल पुशा, मुश्किल में है पढ़ रहा हूं। ए भाई से अर्जो समा, ए भाई से अर्जो समा, कुछ तो करम पर